दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड का आयोजन हुआ, जिसमें कई क्षेत्रों से महिलाओं को अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में बिजनेस विमेन, अदाकारा, टीवी अभिनेत्री, सामाजिक, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने भी शिरकत की और महिलाओं को सराहते हुए प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दस साल से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली कर्तृत्ववान महिलाओं का सम्मान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का आधी आबादी नाम तो दिया है, पर पूरी आबादी पर महिलाओं का राज चलता है। कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें महिला का रोल नहीं। महिला जब सामाजिक क्षेत्र में आती है तो वो भी अपना कर्तृत्व प्रूव करती है, अपना मेटल प्रूव किया है। एक अच्छा उपक्रम इस संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का गौरव। देखिए, पहले मुझे उसे चौमड़ बोलते थे, तो अब हम लोगों को पंडित बना दिया हमारे डॉक्टर पाठक जी ने। मुझे बहुत अच्छा लग जाए उसे सर हम बोलते। पहले जब महिला ढोने का काम करती थी तो कोई मान सम्मान हम लोगों को नहीं कराता था, लेकिन ये जो आज मुझे पुरस्कार मिला उन्हीं की वजह से मिला है। क्या अहमियत रखता है पुरस्कार आपके जीवन में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत महत्व रखता है इससे। मैं सभी लोगों को और सभी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अपने अपने पैरों पर खड़े हुए वो अच्छे से अपना काम करें तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अवार्ड बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, आपको कंसिडर किया जाता है किसी अवार्ड के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है, चाहे अवार्ड मिले या ना मिले। तो आई थिंक ये जो आधी आबादी विमेन्स अचीवर अवार्ड है, ये मेरे करियर का सबसे बेस्ट गिफ्ट है मुझे। आई थिंक मैंने कुछ अचीव किया है, वो है एटलीस्ट थोड़ी सी इज्जत और बहुत सारा प्यार लोगों से, और ऐसे अवार्ड से सम्मानित किए जाने में आई थिंक मैं हर साल आई वुड लव टू हैव एन अवार्ड लाइक दिस।